लालकुआ सरकारी अस्पताल में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू पांडे ने अपने 27 वर्ष के सेवा काल में 30,000 से ज्यादा NSV बिना चीरा और बिना चाके के पुरुष नसबंदी कर चुकी है। उनके इस कार्य उपलब्धि को देखते हुए डॉक्टर्स डे के अवसर पर डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग कुमाऊं गीता शर्मा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललित मोहन उप्रेती ने सम्मानित किया। राज्य व देश के लिए नजीर बनी डॉक्टर मंजू पांडे द्वारा टारगेट से कहीं ज्यादा NSV करने पर प्रशासित पत्र दिया गया है। डॉक्टर मंजू पिछले 27 वर्षों से फैमिली प्लानिंग के अलावा NSV पुरुष नसबंदी कर रही है। सालाना लगभग 1,000 NSV कर अब तक 30,000 से ज्यादा पुरुष नसबंदी कर चुकी है। मूलतः राजस्थान की रहने वाली डॉक्टर मंजू पांडे अल्मोड़ा में आकर बसी, जहां सरकारी अस्पताल में सेवाएं देने के बाद उत्तर प्रदेश सहित नैनीताल में भी सेवाएं दे चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2013 में डॉक्टर मंजू की काबिलियत को देखते हुए सेवा विस्तार देते हुए लालकुआ सरकारी अस्पताल में तैनात किया है। वहीं पूरे राज्य में सर्वाधिक NSV कराने पर प्रशस्त पत्र से सम्मानित किया है। जिन कार्यक्रम में योगदान दिया है इसलिए सम्मानित किया गया है। मैं बहुत लोगों का किया, मैं हमेशा करती रहती हूँ। ये यहाँ के लोगों का अच्छा अपन है कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। CMO साहब, सर, मोटा हल्दू के इंचार्ज, सारे लालकुआ का पूरा हॉस्पिटल स्टाफ, ये सब बहुत सहयोग करते हैं मुझसे, इसीलिए मैं कर पाती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अल्मोड़ा में CMO थी। जब मैंने वहाँ पे अपने यहाँ टोटल फैमिली प्लानिंग की रिपोर्ट देखी तो मैं दंग रह गई। मतलब जितने सारे अल्मोड़े के डॉक्टर्स मेल फीमेल उन्होंने मिलके जितने ऑपरेशन किए थे उनके चौगुने ऑपरेशन डॉक्टर मंजू पांडे ने अकेले किए थे। मंजू पांडे जो है वो एक बहुत ही डिवोटेड डॉक्टर हैं और इनके काफ़ी 35-40 साल तक इन्होंने प्रदेश में हमारी सेवाएं दी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उसके बाद ही अल्मोड़ा से रिटायरमेंट होने के बाद नैनीताल ज़िले में संविदा पर काम कर रही हैं और लालकुआ जैसी सेंसिटिव जगह पर कार्य करते हुए इन्होंने, मतलब हमें लालकुआ से इनके आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और जनता में पॉपुलर है। देवभूमि न्यूज़, हल्द्वानी।